हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में कि आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरीके से ले सकते हैं, आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा और 5 ऐसे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो वेबसाइट में गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैंने इन सभी जो पार्ट्स आपको बताऊंगा वो मैंने अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया था और उसके बाद मुझे सिर्फ 24 घंटों में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मेरी वेबसाइट पे मिल गया था। वो कौन कौन से स्टेप है, किस तरीके से आपको उन्हें फॉलो करना है, सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपको बता दें, जैसे आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है और आपकी वेबसाइट पे अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास एडसेंस अप्रूवल नहीं है। बिना एडसेंस अप्रूवल के आप अपनी वेबसाइट पे कितना भी ट्रैफिक आ जाए आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं भी आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत ही जल्दी से कैसे लेना है। तो हम बात करेंगे भी गूगल एडसेंस अप्रूवल आखिर हमें मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है भी आपको अपना डोमेन नेम, भी आप अपने वेबसाइट बनाते हैं तो आपको वहां पे आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपके डोमेन का जो एज है, यानी डोमेन नेम भी मैटर करता है और डोमेन एज भी मैटर करता है। आज अपना डोमेन खरीद रहे हो और उस डोमेन पे आज वेबसाइट क्रिएट करके और आप सिर्फ 2 दिन के बाद उस पर 8 से 10 आर्टिकल डाल देते हो और 8-10 आर्टिकल डालने के बाद सिर्फ आपकी वेबसाइट, आप 5 से 6 दिन पुरानी वेबसाइट आप उसे गूगल एडसेंस के लिए भेज दोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपना वेबसाइट क्रिएट करना है, जैसे आज आपने डोमेन फाइंड किया, आज उस पर वेबसाइट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको उस पर 10 से 12 दिन रेगुलर उस पर ब्लॉग पोस्ट डालना है और ब्लॉग पोस्ट डालने के बाद आपको उस पर गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव के लिए भेजना है, क्योंकि आपका डोमेन जब आप गूगल एडसेंस के लिए भेजना, आपका डोमेन कम से कम 15 से 20 दिन पुराना हो जाना चाहिए और जब तक आपको अप्रूवल मिलेगा और गूगल चेक करके वापस रिप्लाई देगा तब तक आपका डोमेन कम से कम, अगर हम माने गूगल का जो 15 दिन का समय होता है चेकिंग का, तब आपका डोमेन 1 महीना पुराना हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना भी, आपका डोमेन अगर जितना ज्यादा पुराना है उस पर आपको काम करना है, 15-20 दिन के बाद डोमेन फाइंड करने के बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव के लिए भेजना है। इसमें दूसरा पॉइंट जो आगे आपको ध्यान रखना है वो आपका कंटेंट भी, आपको कंटेंट कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल यूनिक और फ्रेश कंटेंट लिखना है। अभी आप क्या काम करते हैं, आप डोमेन लेते हैं, उस पे वेबसाइट बना लेते हैं और वेबसाइट बनाने के बाद आप जो पब्लिक जो डिमांड करिए कंटेंट का, यानी कि जो कंटेंट ज्यादा YouTube पे और Google पे पड़ा हुआ वो कंटेंट आप उठाते हैं और अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो वो कंटेंट गूगल के पास ऑलरेडी पहले से ही पड़ा है, अगर आप वो डालोगे तो गूगल आपको एडसेंस का अप्रूवल आसानी से नहीं देगा। तो आपको अपनी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट डालना है बिल्कुल फ्रेश कंटेंट डालना है। फ्रेश कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको कमेंट सेशन में या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, तो आप वेबसाइट से फ्रेश कंटेंट उठा सकते हैं और उस वो फ्रेश कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। आपको कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिल्कुल यूनिक और फ्रेश कंटेंट डालना है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी वेबसाइट पर बहुत ही आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। आगे जो तीसरा पॉइंट है वो आपके साइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेस, तो आपको पेजेस अच्छे से बनाने हैं। पेजेस में आप कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये पेज आपको अच्छे से बनाने हैं। इसमें बनाने कैसे, अभी आप क्या काम करते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे जो पेजेस बनाते हैं वो आप बना लेते हैं, जनरेट प्रेस जो भी टूल है, जनरेट का जो ऑटोमेटिक टूल, जनरेटेड टूल है, वहां से आप बना लेते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा भी आप वो सारे पेज अपने आप खुद से बनाएं। आपको अबाउट अस का जो पेज बनाना है उसमें आपको अपने खुद के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में वहां पे अबाउट अस देना है, तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो, आपको कोई टूल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस का पेज भी आपको खुद भी डिजाइन करना है, आपको बताना है भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो, ये भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है और आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। अभी आगे पेज आता है प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन का, तो अब ये पेज भी आप किसी बड़ी वेबसाइट पर विजिट करना, उसको देखना भी उसने प्राइवेसी पॉलिसी पेज में क्या बनाया है, उसको आप रीड आउट करना, रीड आउट करने के बाद आप उस पेज को अपने मतलब वेबसाइट पर डालना, उस पेज को समराइज करके पूरा उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर आप अपने हिसाब से उसको लिख के फिर आप अपनी वेबसाइट में डालोगे, तो ये चीज आप अच्छे से फॉलो कर लोगे, बिना किसी टूल के आप इंपॉर्टेंट पेज बना लोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे जो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा वो है हमारा थीम, कि आपको अपनी वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको स्टार्टिंग में कोई भी दूसरी थीम का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मैं 2 ही थीम रिकमेंड करूंगा, पहली थीम है जनरेट प्रेस की और दूसरी जो थीम आपको बताऊंगा वो है न्यूज़पेपर की। आप इन दोनों थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों थीम का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं, कस्टमाइजेशन सही से कर सकते हैं। अगर ये सब करते हैं तो आपको ये दोनों थीम है जो यूजर फ्रेंडली थीम है और यहां से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने में बहुत ही आसानी होगी। आगे का जो हमारा 5वां और लास्ट पॉइंट है वो है आपका निश भी, आपको अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे स्टार्टिंग में एक निश पे काम करना है। अगर आप स्टार्टिंग में आपको निश कोई भी निश पे आप काम नहीं करना चाहते तो आप फ्रेश कंटेंट डाल सकते हैं, फ्रेश कंटेंट आपका न्यूज टाइप में मतलब चुना जाएगा और न्यूज टाइप का फ्रेश कंटेंट होता है जिसमें आपको जल्दी अप्रूवल भी मिलता है। तो अप्रूवल के लिए आपको एक निश भी मैटर करता है, सब कुछ कैटेगरी वगैरह सब कुछ आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो आपको सिर्फ 24 घंटे में, यानी वेबसाइट बनाने के 15 से 20 दिन के बाद जैसे आप अप्लाई करोगे आपको सिर्फ 24 घंटों में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। आप
आपको ये चीज ध्यान रखनी, जब भी आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो या एक्स्ट्रा इमेज वगैरह नहीं डालनी है, ना ही आपको अपनी वेबसाइट में कोई एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह डालना, कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं डालनी है ताकि आपको कोई भी एरर ना आए। क्योंकि ये चीज आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देते हो तो वहाँ पे आपको एडसेंस जो पॉलिसी है दिखा देते हैं और आपको एडसेंस का अप्रूवल देता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं डालना है। और इसके लिए आपको जो एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, भी आपको अगर वेबसाइट को अच्छे से मैनेज करके जल्दी एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो आपको सबसे मैटर करता है आपका सर्वर। तो सर्वर के लिए आप होस्टिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो होस्टिंगर आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कूपन कोड भी मिल जाएगा जिसमें आपको 7-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग परचेज करते हैं और मुझे आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको फ्री में न्यूज़पेपर थीम और जनरेटर प्रीमियम थीम आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, WP रॉकेट प्लगइन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपकी स्पीड वगैरह सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन रहे और आपको जल्दी से और आसानी से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी तरीके की एक नई और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।